कैसे हैं आप लोग? आपको मौसम काफी सुहावना लग रहा है। क्या खाए हो? अच्छी अच्छी चीजें मम्मी से बनवा के, है ना? चलो पढ़ाई की बात करते हैं। आज हम बच्चों एक नया लेसन लेंगे, क्योंकि पिछला जो था वो कंप्लीट हो गया था, आपको हमने बता दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिख दिए होंगे। अब टेस्ट की तैयारी करिए, आपका टेस्ट होने वाला है सितंबर में, इसलिए अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अब क्या है बेटा, आज का जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, स्वतंत्रता के बाद जो भारत था कैसे बना, कब बना, बना कब तो मालूम है, भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है। क्या चेंज आए? बड़े आश्चर्य की बात है। आपको पता होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, आपके मदर, आपकी हो सकता है कि फादर भी, ग्रैंड फादर आपके जरूर रहे होंगे उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ। और आपकी मदर तो नहीं होगी ना, फादर होंगे, लेकिन ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जरूर होंगे। तो बच्चों क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो भारत था वो स्वतंत्र हुआ। जो आखिर लास्ट जो ब्रिटिश वायसराय थे वो यहाँ पर थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इनका नाम आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पहले बुक ओपन कर लीजिए। मेरा लेसन 10 है। कौन थे? लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसराय थे इंडिया के, और हम आपसे कहेंगे कि इंडिया के नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया के लास्ट वाइसराय थे, लेकिन इन्होंने पूरा साथ दिया इंडिया को डिवाइड करने में। क्योंकि तो ये खासियत होती है इन लोगों की कि इनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल होती है जो हम समझ नहीं पाते। जब भारत स्वतंत्र होने लगा, पहले हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं थी। पहले जो आपको पता है मुगल थे, उनको भगाया गया, फिर भी आए अंग्रेज। तो जब भारत स्वतंत्र होने की बात चलने लगी, इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने लगी, उस समय मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी कि हम धर्म के आधार पर अलग देश चाहते हैं, भारत के टुकड़े किए जाए। बच्चों जो भारत के टुकड़े की, अपने देश के टुकड़े की बात करता है ना, वो तो शायद इस देश का नागरिक ही नहीं कहलाने लायक हो। क्या कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सब बाद में, नेहरू तो पहले से तैयार थे, लेकिन गांधी भी बाद में तैयार हो गए। हमारे देश के लोग तैयार नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने हर बात मानने से मना कर दी। उसने कहा कि हम तो हर हालत में देश को तभी स्वतंत्र होने देंगे जब हमारा अलग देश बनेगा। और बच्चों 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को
के टुकड़े हुए। कैसे हुए? भारत का जो मैप था उसको टेबल पे रखा गया और रेड फोर्ट जो जानते भी नहीं थे, ग्रीन फोर्टर जो जानते भी नहीं थे कि भारत में मुसलमान कहाँ जाता है, हिंदू कहाँ जाता है, कैसी कंडीशंस है, लाइन खींची थी उन्होंने मैप के ऊपर, इतना पोर्शन मुस्लिम का, इतना हिंदुओं का। अब आप सोचिए इतनी मतलब शर्म की बात है कि हमारे देश के टुकड़े स्केल से हुए और पेंसिल से हुए, लेकिन हमको वो सहन करना पड़ा क्योंकि जिन नेताओं पर हम विश्वास करते थे उन्होंने, जैसे आपको अपने माता पिता पर विश्वास है, आपको पता है हर हालत में आपको टाइम से खाना मिलेगा, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है, अगर उसके भी टुकड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके बड़े पापा में, आपके फादर में, आपके अंकल में, चाचा में, तो वो भी आपके बड़े आपके ग्रैंडफादर ने बराबर किए होंगे, ऐसा नहीं किया होगा कि किसी को ज्यादा किसी को कम दिया हो। लेकिन भारत के टुकड़े हुए 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान रखा और धर्म के आधार पर टुकड़े हुए बच्चों कि हम मुसलमान हैं, हम वही रहेंगे, हम अपने मुस्लिम धर्म को मानेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा गया क्योंकि तो पूरा हिंदुस्तान था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, हर्षवर्धन ने जीता था, चंद्रगुप्त ने जीता था, तो वहां तो बहुत से हिंदू किले और हिंदू मंदिर थे, वहां तो तक्षशिला थी, इसके पढ़े हुए चाणक्य थे। ये कहा गया कि आप जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आप सुरक्षित रखेंगे, तो इंडिया तो ने तो सुरक्षित रखे क्योंकि यहाँ से बहुत कम लोगों ने, करीब जितने लोगों ने, वहां की जनसंख्या कितनी है, सिर्फ 30 करोड़ है शायद, हाँ अभी वहां की जनसंख्या 30 करोड़ है और वहां के जो हिंदू आप जानते हैं, हम आजकल तो न्यूज़ में देखते हैं क्या हालत होती है वहां का, जो गुरुद्वारा था वहां चोरी हो गई, नष्ट कर दिया, वहां के जितने मंदिर है जाकर देखो, कटास राज का मंदिर है, काम बदबू आती है वहां पर, और एक तो जाने नहीं देते हैं और जाने भी देते हैं तो इतनी गंदगी पड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं। वहीं पर शारदा पीठ की है जो हमारा बहुत पुराना मंदिर है, जिसकी मिट्टी अभी राम जन्मभूमि में डाली गई थी, उन्होंने उसके लिए भी आज्ञा नहीं दी थी मिट्टी डालने के लिए, लेकिन कैसे आई ये तो हम आपको कहानी बाद में सुनाएंगे। धर्म और आस्था के आधार पर वो मिट्टी आ गई और आज वही पाकिस्तान हमारा सिर दर्द बना है। क्या कहें अब उस चीज को, लेकिन स्वतंत्रता की खुशी तो कम थी उन्हीं को होगी जो नेता बने थे, जनता की हालत दुखी और रोने वाली। वहां से आप फोटो देखिएगा, पिक देखिए आप, वहां से देखो शरणार्थी सिर पे खाने का सामान, जिन्होंने फैसला कर दिया ना पार्टीशन का, वो तो रह रहे थे महलों में, इसी में रह रहे थे, उनको क्या परेशान। लेकिन जिनको घर छोड़ना पड़ा, सोचिए आप एक तरीके नहीं छोड़ पाते हो, अगर कोई ले ले तो आप लड़ते हो, शिकायत करते हो, हमारा इरेजर इसने ले लिया, अगर आपके घर के सामने कोई पौधा लगा दे तो सब घर वाले लड़ने आ जाएंगे, हमारे घर के सामने क्यों लगाया। और आप सोचिए बड़े बड़े अपने अपने घर छोड़ के, मार्बल के बने हुए घर, कुछ लोग तो खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल पर बैठे और उनको तुरंत खाना छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि जो पाकिस्तान में रहने वाले जो अटैक किया गया हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ, वो भागे कि ट्रेन मिल जाए तो ट्रेन में बैठे, पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन जो थी
उसमें हिंदू ही थे ना, इंडिया आ रहे थे, पूरे के पूरे लोगों को काट दिया गया, लास्ट से बटी हुई इंडिया के बॉर्डर पर आई। इंडिया में भी फिर घमासान मच गया, ऐसे लोग थे जो देख के बोले काहे के ये नेता तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम ही कुछ करें। 9 लाख शरणार्थी वहां से आए थे और जहां से गए नहीं थे उसने, उसके साथ में 10 करोड़ रुपए भी पाकिस्तान को दो। ये हमारे जो नेता थे ना, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा था, उनका निर्णय था कि ये भी दो, और क्योंकि ये नया पाएगा नया देश, वो तो टूट कर बनाया ना हमसे, तो उसको दो क्योंकि उसको जरूरत है। सरदार पटेल एक ऐसा व्यक्ति था, उसने हर चीज का विरोध किया, लेकिन वो अकेला व्यक्ति था। उस समय जो हमारे बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने हर बात का विरोध किया, न जाने क्या दिखाना चाहते थे। तो इस तरह एक डिवाइडेड इंडिया, न्यू एंड डिवाइडेड को याद रखिए। भारत तो बना लेकिन टुकड़ों में बट गया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, म्यांमार। अफगानिस्तान ने पहले कहा हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से कि हम आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान से, तो मना कर दिया गया। इन्हें तो अब जो भी हुआ वो मैं नहीं बताऊंगी, वो बहुत बड़ी कहानी है, और फिर अच्छा भी नहीं लगता बताना। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उनको पता होगी, आपके घर वालों को, लेकिन दर्द तो होता है जब अपना देश बढ़ता। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो उससे कहा गया, लॉर्ड माउंटबेटन से कहा गया, जो आखिरी वाइस राय था, इसने कहा, नाम नहीं लूंगी, कि हमारे देश में अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है तो हम अपने देश को चलाएंगे कैसे, तो आप रहिए यहाँ और सबसे कम 1 से 2 साल रह करके हमारे देश को चलाने में हमारी मदद करिए। उस समय के जो हमारे रक्षा मंत्री थे, सरदार जी थे, जब उन्होंने सुना तो बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस लीडर से कहा जो हमारे देश का बड़ा नेता था, उससे कहा कि ऐसा करिए ना, आर्मी भी हमारी नहीं है तो इनको आर्मी के लिए भी रख लीजिए। तो उस लीडर को लगा कि ये तो क्या बात हो गई, तब जाके चुप हुए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन बाद में भी रहे थे, क्योंकि हमारे देश के बड़े नेताओं का कहना था कि वो देश को नहीं चला सकते, लेकिन पद में बैठने का शौक तो था उनको। खैर छोड़ो ये सब बातें, आप तो इतना याद रखना, जब आप खुद हिस्ट्री पढ़ोगे बड़ी क्लास में तब आपको ये सब बातें पता चलेगी। हम तो आपको थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं। हमारा जो भारत था 15 अगस्त को, हमारा तो न्यू नहीं था, हम तो कब से चले आ रहे थे, है ना। हमारा भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है, जिनका पार्टीशन हुआ उनका शुरू हुआ है 14 अगस्त से, हमारा नहीं हुआ है, हम तो बहुत पुराने सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन जिसको अभी हम इंडिया कहते हैं, ये डिवाइडेड इंडिया बना और एक नया भारत बना, तो 15 अगस्त की खुशी तो एक तरफ थी, लोग तो थे सारे, पूछिएगा हम भी बता रहे हैं, क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, हमको पता है कैसे लोगों के सिर कटे हैं लाशें के लिए। तो उससे क्या था, देखो पहले तो ऐसा होता था हर घर फ्रीडम फाइटर होता था, उसके बिना नहीं हमको स्वतंत्रता मिल पाती, तो हर घर में फ्रीडम फाइटर होते थे, ये कोई बड़े मोमेंट की बात है। तो और हर फैमिली होती थी, सब मिल के काम करते थे देश की स्वतंत्रता के लिए। जब तक नेताओं ने ये जहर नहीं बोया था ना मन में धर्म का, तब तक ये धर्म की बात नहीं थी किसी के मन में, लेकिन उन्होंने बोया, वो तो शांत से चले गए, जहाँ रहना था रहे, आराम से उनको घर मिले, किसे कौन गरीब, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, तो जो गरीब होता है ना बेटा, वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो तो प्रभु एक है यही मानता।
समय लोगों पे शैतान चढ़ गया था, हत्याएं करने लगे थे एक दूसरे की। इस तरह हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, खुशी के बदले आंखों में आंसू थे लोगों की, ऐसे सड़कों पे शरणार्थी बैठे थे। जैसे बांग्लादेश के साथ वही तो आपको बाद में याद नहीं होगा, वो कह रहा था अपने ग्रैंड फादर से पूछेगा, और बांग्लादेश को आपके फादर ने भी देखा होगा, मदर ने भी देखा होगा। शरणार्थी आके ना सड़कों के किनारे अगस्त का महीना पानी बरस रहा, बेहद हमें भी बताया है ये सब हमारे परिवार वालों ने, क्योंकि हम भी इस स्वतंत्रता के बाद ही जन्म लिया है। तो मैंने तो सिर्फ पढ़ा है और सुना, तो क्या हुआ बच्चों, खूब पानी बरस रहा था और बेचारे भीग रहे, न खाने को न कुछ, और जिन्होंने पार्टीशन कराया था उनके बच्चा खाएंगे, इतने लोगों को कैसे ये शरण में कहाँ रखे। तब बेटा लोगों ने खुद उनको अपने घरों के सामने जो बरामदे थे जो मकान थे वहाँ उनको शरण और उनको खाने को दिया, पब्लिक ने किया, पब्लिक ने किया खाने को दिया और उनको शरण, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा और धीरे 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 बाद में वो एडजस्ट हुए। उस समय बच्चों आप जानते हो सबसे ज्यादा रजवाड़े हुए थे, मतलब जो राजा लोग थे वो थे हमारे राजस्थान। पहले तो राजा लोग ही होते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो होती ही नहीं थी। तो उस समय 556 देखिए उस समय कितनी स्टेट थी 550, मतलब अलग अलग जो रजवाड़े थे वो 550 थे, 550 थे। और जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उन्होंने कहा इन रजवाड़ों से नहीं 560 थे बेटा, 10 और थे, 560 रजवाड़े थे, मतलब पूरे देश में जो राजा थे ना बटे हुए छोटे छोटे 560 राजा थे। अंग्रेज उनसे कहकर गए देखो कि तुम्हारी इच्छा है तुम चाहे इंडिया के साथ मिलो चाहे पाकिस्तान के साथ मिलो या स्वतंत्र रहो। ज्यादातर राजा जो थे उन्होंने नाम तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कह दिया था कि हम आपको स्वतंत्र रखेंगे अपने में मिलाएंगे, ये बेवकूफ मान गए उनकी बात में और जनता की उसने नहीं माना, लेकिन ये मान ली कि हाँ ये ठीक है। तो उसमें क्या बताऊँ आपको, उसमें हमारा जोधपुर भी शामिल है, उसने इंडिया के साथ रहने मिलना नहीं चाहा, बात में समझ में आया। अब क्या हुआ बेटा, ये छोटे छोटे 560 राजा तैयार नहीं मिलने को। सबसे पहले गुजरात में एक जूनागढ़ जगह है, एक जूनागढ़ है वहां का जो नवाब था मुस्लिम था, जूनागढ़ बहुत मशहूर है। जूनागढ़ का फोर्ट भी है, जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुस्लिम था, लेकिन वहां की जो पब्लिक थी वो हिंदू थी। नवाब चाहता था वो पाकिस्तान में मिल जाए, पब्लिक चाहती थी कि वो इंडिया में मिले। बहुत घमासान हुआ इस पे, जो पाकिस्तान था उसने कहा हम अपनी फौजें भेज देंगे और इंडिया की फौज को हरा देना और तुम हमारे में मिल जाना। लेकिन पब्लिक जो थी उसने रिवोल्ट किया। देखो बच्चों याद रखना कि जो स्वतंत्रता है वो पब्लिक से मिली है, उसको थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी ऊपर। तो क्या हुआ, जो पब्लिक थी उसने रिवोल्ट कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बाद में जो जूनागढ़ का नवाब था वो भाग गया पाकिस्तान, और जो लोग थे उन्होंने वोट किया कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे, और इस तरह जो जूनागढ़ था वो इंडियन स्टेट में मिला। इसके बाद में बहुत बड़ा जो है सालार जंग के अपना निजाम हैदराबाद, हैदराबाद के वैसे दो टुकड़े हो चुके हैं पहले, जो बचा हुआ निजाम था हैदराबाद का किसी हालत में इंडिया के साथ मिलने को तैयार नहीं था। उस समय जो हमारे
होम मिनिस्टर से याद रखना इनका नाम सरदार पटेल। एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से आज हमारे भारत में जो लहरें दिखाई दे रही है, हमारे भारत का कुछ शेप दिख रहा है। ये तो क्या हालत होती सोच लीजिए, ये सारे के सारे रजवाड़े को स्वतंत्र रहना चाहता, स्वतंत्र तो रह नहीं पाते। जैसे कश्मीर, पहले कश्मीर भी चाहता था, जम्मू कश्मीर के राजा थे वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहे, ठीक है। बाद में उनके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, वो कहाँ मानने वाला, अटैक कर दिया था, उसकी समझ में आया था, उन्होंने लिख के दिया कि नहीं हम इंडिया के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। और अभी भी देख रहे हो, इसीलिए तो वो लड़ते हैं कश्मीर स्वतंत्र करो स्वतंत्र करो। मतलब बच्चों, इन लीडर की छोटी सी भूल आज हमारे लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गई है, ये आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे। जो पॉलिटिक्स समझते हैं या जो थोड़ी भी अवेयर है भारत देश से, वो इस चीज को समझते हैं। तो एक सरदार पटेल थे जिन्होंने इन सारे स्टेट्स को जोड़ा, उन्होंने इस तरह का किसी को गुस्सा दिखाकर, किसी को समझाकर, किसी से लिखाकर, इस तरह इन्होंने धीरे धीरे लिया। और ये जो सारी स्टेट थी ये इन्हें हमारे इंडिया में मर्ज की और इस तरह हमारे इंडिया का एक शेप बना, ठीक है। इनिशिएटिव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था, जो हम आपको बता चुके हैं। और इस तरह भारत का यूनिफिकेशन हुआ। तो आप अंडरलाइन करेंगे बच्चों, ये बुक निकालिए लेसन 10, उसमें फर्स्ट लाइन इंटेलेक्ट फैक्ट एंड स्टडी, लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर मुस्लिम लीग तक रेड से लिखा हुआ है, यहाँ तक अंडरलाइन करिए। उसके बाद ये जो हेडिंग है न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, इसकी फर्स्ट लाइन से लेकर कंट्री तक, फिर सेकेंड इन द पार्टीशन, पूरा डिवाइड, इसको अंडरलाइन करिए। उसके बाद में लिखिए, ये है ना वेन, यहां से वेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, ठीक है, यहां से करिए आप वेन द ब्रिटिश ऑफ इंडिया से यहां तक पूरा पैराग्राफ, बहुत बड़ा नहीं है, ये आपको लिखना है अच्छी तरह लाइन छोड़ करके और बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आपको कल बताएंगे, लेकिन आज आप ये लिखने का काम जरूर करेंगे। और जिनको फोटो बनानी आती है, पिक्चर बनानी आती है, जिनकी ड्राइंग अच्छी है, वो एक तो इनकी फोटो बनाएंगे, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें नहीं दिख रहे हैं। वहाँ अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई पिक मिल जाए, नमन है उनको, उनकी जरूर बता दीजिएगा। गांधी एंड लूटर टू डाइट छोड़। और इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये भी बनाना है, एक मैप भी बनाना है जो मैं आपको कल दूंगी, ठीक है, ये मैं आपको कल दूंगी बनाने के लिए। आज आप जरूर इतना लिखेंगे, आज लिखने का काम दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। कल मैप बनाने पर अच्छी तरह लिखिएगा, अच्छा अच्छा लिखिएगा, ये आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल है ना, कल भी बहुत सारा काम होगा। और बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, आपके टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट के पेपर बनने लगे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं पढ़ोगे नहीं तो टेस्ट कैसे करोगे, तो गड़बड़ होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह पढ़ो और अभी से वर्क शुरू कर दो, होमवर्क शुरू कर दो, ओके बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।